एवरीवन, आई एम दीप। इस यूट्यूब चैनल पे हम BLS के लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। सो बेसिकली इस वीडियो में हम BLS 2-4 स्टार्ट करें। सब्जेक्ट का नाम है हमारा ICT फंडामेंटल्स। इसमें ब्लॉक 1 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बेसिस ऑफ ICT। इसमें हम यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हमारा बेसिस ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर पेरिफेरल्स एंड हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंपेयरिंग उबंटू विद विंडो। इंट्रोडक्शन में हम ये पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कि कंप्यूटर होता क्या है। व्हाट इज कंप्यूटर? अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है दैट टेक इन डाटा एज इनपुट देन प्रोसेस इट एंड गिव अस इन्फॉर्मेशन। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कमांड देते हैं और वो उसके ऊपर काम करके हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एज अ आउटपुट। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट। तो हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर, या हम कह सकते हैं हु वॉज द फादर ऑफ कंप्यूटर, ये एक नंबर का MCQ क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग बताएंगे चार्ल्स बेबिस वॉज द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर। कॉम्पोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, देयर आर 4 मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। टोटल 4 मेजर कॉम्पोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के। इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट्स आर यूज फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शंस और कमांड टू द कंप्यूटर। इनपुट यूनिट जो इस्तेमाल होता है इंस्ट्रक्शंस देने के लिए होता है, कमांड देने के लिए होता है कंप्यूटर को। जब तक हम कीबोर्ड से या माउस से हम इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे, बताएंगे नहीं, तब तक वो काम कैसे करेगा, एक्शन कैसे करेगा, उसके ऊपर प्रोग्रेस कैसे करेगा, प्रोसेस कैसे करेगा। सो हम एग्जाम्पल के तौर पर कीबोर्ड और माउस ले सकते हैं, और भी एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट कंट्रोल ऑल कंप्यूटर ऑपरेशन। ये जितने भी कंप्यूटर ऑपरेशन होते हैं उसके ऊपर कंट्रोल करता है, प्रोसेसेस इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन पे काम करता है एंड कंप्यूटर रिजल्ट, और हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसे हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। दिस कॉम्पोनेंट कंप्राइजेस, कहने का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर भी बहुत सारे पार्ट आते हैं, मतलब कॉम्पोनेंट आते हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। पहला है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज दैट विच इंटरप्रिटेड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के ऊपर देखता है, डायरेक्ट्स द इंटरनल ऑपरेशंस एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा इन और आउट ऑफ प्राइमरी मेमोरी। कहने का मतलब एक तरीके से ये इंटरनल ऑपरेशंस पे ध्यान देता है जो जो काम हो रहा है, और कंट्रोल करता है कितना डाटा जाना चाहिए, किस टाइम पर जाना चाहिए, कितना डाटा लेना है, इस किस टाइम पर हमें इसे लेना है, तो इस चीज़ पर भी ध्यान देता है। नेक्स्ट हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, द ALU, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ALU भी कहते हैं। द ALU परफॉर्म द अर्थमेटिक ऑपरेशन सच एज सेकेंडरी स्टोरेज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सिलरी स्टोरेज। इसे हम एक्सिलरी स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं। इट इज परमानेंट स्टोरिंग डाटा, इसमें परमानेंटली स्टोर किया जाता है डाटा को। मेमोरी यूनिट दैट प्रोवाइड एडिशनल बैकअप स्टोरेज टू द लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा। मतलब एडिशनल बैकअप दिया जाता है स्टोरेज करने के लिए, ज्यादा अमाउंट के क्वांटिटी के डाटा को स्टोर करने के लिए, जैसे हम एग्जाम्पल में कह सकते हैं फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। फोर्थ पॉइंट, आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट आर यूज फॉर गिविंग रिजल्ट। आउटपुट यूनिट का इस्तेमाल हमें रिजल्ट देने के लिए होता है, जैसे मॉनिटर, हम कुछ भी टाइप करते हैं उस पर काम करने के बाद हमें रिजल्ट आता है, स्क्रीन पे शो करता है, तो एक तरीके से वो आउटपुट यूनिट का एक एग्जांपल है। तो हम प्रिंटर भी ले सकते हैं, प्रिंट करके हमें मिल जाता है, वो एक आउटपुट यूनिट का एग्जांपल है। सो इस डायग्राम को अच्छे से क्लियर समझते हैं, इस फिगर को समझते हैं। सबसे पहले ये जो डिजाइन है, ये जो फिगर है, ये किसने डेवलप किया है? ये डेवलप्ड बाय जॉन वॉन न्यूमन ने करा है, जिसे हम वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले इस फिगर में आता है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के अंदर क्या क्या स्टोर होता है? डाटा और प्रोग्राम को। प्रोग्राम एक तरीके से इंस्ट्रक्शंस होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है? इसको एक तरीके से एक ही में स्टोर करके रखा जाता है। इसमें हम अलग अलग एड्रेसेस पे भी इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये सिर्फ जॉन वॉन न्यूमन में ही होता है, इन्होंने ही किया है, ठीक है? अब आते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रजिस्टर्स। रजिस्टर्स मतलब एक तरीके से मेमोरी। मेमोरी के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल, कंट्रोल यूनिट्स। कंट्रोल यूनिट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जिसमें जैसे कि हम अर्थ एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आता है इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये कंप्यूटर पेरिफेरल्स वगैरह आ जाते हैं, ये हम आगे के टॉपिक्स है उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। तो ये जो डिजाइन है, ये जो कॉन्सेप्ट है, किसने बनाया है? जॉन वॉन न्यूमन ने बनाया है। इस डायग्राम को हम वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं। मॉनिटर, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। पहले के टाइम पे जो डिस्प्ले हुआ करता था वो CRT मॉनिटर्स हुआ करते थे, आज के टाइम पे LCD मॉनिटर्स का इस्तेमाल होता है।
एंड जो कि बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड एक तरीके से एक इनपुट डिवाइस है जो कि कनेक्टेड होता है केबल के द्वारा बैक ऑफ द सीपीयू, सीपीयू के बैक से कनेक्टेड होता है केबल के द्वारा, और एक नॉर्मल कीबोर्ड के अंदर 101 कीज होते हैं। माउस, माउस भी इनपुट डिवाइस होता है, ये भी केबल के द्वारा कनेक्टेड होता है बैक ऑफ द सीपीयू, एंड ये एक स्मॉल साइज प्लम बॉक्स होता है, और इसमें जो सेंट्रल मतलब एक तरीके से कर्सर होता है एरो टाइप में होता है, आपको स्क्रीन में दिखता होगा। ठीक है, इसके मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ये कंट्रोल करता है, जो माउस है ये कंट्रोल करता है कर्सर को, इसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, एंड नॉर्मली देखा जाए तो एक माउस के अंदर 2 बटन्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है प्रिंटर। प्रिंटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस होता है जो ट्रांसफर करता है एक इमेज और टेक्स्ट को कंप्यूटर से एक प्रिंटेड पेज पर। ठीक है, जो प्रिंटर जो होता है ना वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स, लेज़र। ठीक है, हमारी बुक में इंकजेट और लेज़र के बारे में बता रखा है। इंकजेट के बारे में बता रखा है कि इंकजेट कंप्यूटर क्या होते हैं, ये कॉमनली यूज़ होते हैं घर पे, और ये बहुत अफोर्डेबल होते हैं, और एज़ कम्पेयर टू हमारा जो लेज़र कंप्यूटर लेज़र प्रिंटर होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो कि पीसी से कनेक्ट होता है, ये पैरेलल पोर्ट के द्वारा या जिसे हम यूएसबी पोर्ट भी कहते हैं इसके द्वारा कनेक्ट होता है। एक तरीके से ये एक ऐसा डिवाइस है जो ग्राफिक्स को या फिजिकल डॉक्यूमेंट को डिजिटल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करता है, फिजिकल या ग्राफिक डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल आता है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है जो कि थिन और थिक लाइन होती है उसको रीड करता है। आप लोगों ने किसी प्रोडक्ट पे देखा होगा एक बारकोड लगा हुआ होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को रीड करता है, उस प्रिंट को रीड करता है। ठीक है, एंड जो बारकोड रीडर होता है वो उस लाइन को डिकोड करता है, साथ ही साथ उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर। द फिजिकल पार्ट दैट मेकअप अ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। जो फिजिकल पार्ट होता है जिसे मिलकर कंप्यूटर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। अब एक चीज हमें समझनी होगी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अभी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या होता है? हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल पार्ट होता है, और सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम होता है जो एग्जीक्यूट किया जाता है सीपीयू के द्वारा। इसे हम टच कर सकते हैं और इसे हम टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंड एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊं तो जो हार्डवेयर होता है एक बॉडी होती है, और वहीं पे जो सॉफ्टवेयर है वो एक तरीके से आत्मा की तरह काम करती है। ठीक है, तो दोनों ही होना बहुत जरूरी है एक कंप्यूटर को चलाने के लिए। अगर दोनों में से एक भी पार्ट नहीं हुआ तो वो कंप्यूटर रन नहीं करेगा। ओके, अब कुछ इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। ये कंट्रोल करता है जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम को, प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन देता है, उसके बाद हमें रिजल्ट देता है। सिंपली हम कह सकते हैं ये रीड करता है इंस्ट्रक्शंस को जो सॉफ्टवेयर देती है, और कंप्यूटर को बताता है कि करना क्या है। और एक्चुअली में देखा जाए तो सीपीयू का जो साइज होता है वो 1.5 इंच होता है, 1.5 इंच स्क्वायर होता है, और जो स्पीड होती है सीपीयू की हम उसे मेजर करते हैं मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो 1 गीगाहर्ट्ज जो होता है वो 1000 मेगाहर्ट्ज के बराबर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को हम मेन बोर्ड और सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। जो मदरबोर्ड होता है ये मेन सर्किट होता है, मेन सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर का। इसके अंदर शामिल होते हैं, इट कंटेन्स प्रोसेसर, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, मेमोरी, स्टोरेज इंटरफेरेंस, सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट्स एंड एक्सपेंसिव स्लॉट्स। मतलब ये सारे चीज उसके अंदर शामिल होते हैं, ये होते हैं मदरबोर्ड। हमारा टॉपिक है पावर सप्लाई यूनिट। पावर सप्लाई यूनिट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इन द कंप्यूटर। दिस इज द कोर सिस्टम ऑफ द कोर ऑफ द सिस्टम, और जरूरी होता है एंड इज नीडेड टू सप्लाई पावर टू द मदरबोर्ड। ओके, एंड विच इज इन रिटर्न पावर सप्लाई टू ऑल द अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। कहने का मतलब कि ये एक कोर सिस्टम होता है कंप्यूटर का, और जरूरी होता है ये पावर सप्लाई देता है मदरबोर्ड को, एंड उसके बाद पावर सप्लाई करता है बाकी कॉम्पोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर को। एंड ये फंडामेंटल फंक्शन होता है जो कन्वर्ट करता है पावर को फ्रॉम द वॉल सॉकेट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी।
रीड ओनली मेमोरी। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। अगर पावर सप्लाई कट जाती है, टर्न ऑफ हो जाती है, तो ये इन्फॉर्मेशन को लूज नहीं करता है। इसमें परमानेंट स्टोर होता है डाटा और ये रीड कर सकता है ऑपरेशंस को। इट ओनली अलाउ टू रीड ऑपरेशंस। एक आता है रैम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी ये वोलेटाइल मेमोरी होती है जिसमें टेम्पररी स्टोर किया जाता है डाटा को और इट अलाउ बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन। स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मेमोरीज लाइक प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं रैम और रोम। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? एक ऑफलाइन मेमोरी होती है जो इस्तेमाल करते हैं, ये यूज करती है डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और कैरी करती है डाटा। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं फ्लॉपी डिस्क, सीडी। अब हम पढ़ने वाले हैं स्टोरेज डिवाइस के कुछ पार्ट्स के बारे में, जिसमें पहला हमारा आता है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? देयर इज अ रिमूवेबल डिस्क। एक रिमूवेबल डिस्क होता है जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है मैग्नेटिकली। ठीक है, इसमें हम फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल क्यों करते हैं? वी कैन यूज फ्लॉपी डिस्क टू रीड एंड राइट इन्फॉर्मेशन बिटवीन द कंप्यूटर। ओके, और साथ ही साथ मेक द बैकअप ऑफ द फाइल। ठीक है, बैकअप ऑफ द फाइल के लिए। सेकेंड, हमारा जो क्या होता है, इट हैज अ स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ 1.44 MB। इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी कितनी होती है? 1.44 MB होती है। ओके, हमारा एग्जाम्पल आता है जिप डिस्क। जिप डिस्क भी इट इज ऑल्सो अ रिमूवेबल डिस्क जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। इसकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी होती है वो 100 से 250 MB होती है। ये एक स्पेशल 3.5 इंच रिमूवेबल डिस्क होता है जो कि जरूरत होती है रिट्राइव ऑफ द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। ठीक है, और साथ ही साथ वो राइट करता है राइट टू द जिप डिस्क। ठीक है, हमारा एग्जाम्पल आता है सीडी रोम्स। सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है ये भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अप्रोक्सीमेटली इसमें 650 से लेके 800 MB तक डाटा को स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, इसमें हम सिर्फ रीड कर सकते हैं डाटा को और इसमें डाटा को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। इट इज नॉट यूज फॉर रिकॉर्डिंग द डाटा। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है डीवीडी। डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो डिस्क। इसमें हम ग्रेटर अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हैं। अक्सर इसमें मूवी, फुल लेंथ मूवी, मल्टीमीडिया कंटेंट को स्टोर कर सकते हैं। एंड डीवीडी को चलाने के लिए हमें डीवीडी ड्राइव होना कंपल्सरी है उसको रन करने के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रीड राइट सीडी रोम्स। सीडी रोम्स जो होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें हम राइट भी कर सकते हैं, रीराइट भी कर सकते हैं और डाटा को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें आता है हमारा सीडी रिकॉर्डेबल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सीडीआर। और नेक्स्ट हमारा आता है सीडी रीड एंड राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम दैट रन ऑन अ कंप्यूटर। एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में चलता है। इट इज स्टोर्ड इंस्टॉल ऑन द हार्ड डिस्क और एनी अदर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। ये स्टोर होता है या इंस्टॉल होता है हार्ड डिस्क के अंदर या किसी भी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के अंदर।